गाइस वेलकम टू आर के साइबर कैफे। आज का हमारा टॉपिक है कि बिहार विधानसभा। ठीक है, बिहार विधानसभा के अंतर्गत जो है आपको चार पोस्ट, बिहार विधानसभा के अंतर्गत जो है आपको चार पोस्ट का जो है वैकेंसी निकला है, जिसमें कि टोटल वैकेंसी सीट आपको 183 पोस्ट है, जिसमें कि आपको सिक्योरिटी गार्ड है, डाटा ऑपरेटर है, ड्राइवर है, ऑफिस अटेंडेंट है। ठीक है, पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन जो है मैं आपको बता देता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपको जो है इंटर पास होना चाहिए। ठीक है, मेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट जो है आपको 1.6-7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट 7.6.5 से लेकर के 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। विजन जो है इसमें आपको 6x12 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। ठीक है, फीमेल के लिए आपको 1 किलोमीटर 6 मिनट में और हाइट जो है आपको 154.6 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एज लिमिट जो इसमें है आपको सिक्योरिटी गार्ड के लिए 18 से 25 वर्ष होना चाहिए, जो कि 1/1/2024 के अनुसार होना चाहिए, यानी कि 18 साल आपका 1/1/2024 से पहले होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डाटा एंट्री के लिए भी आपको इंटरमीडिएट चाहिए, और जो है स्पीड जो है आपका 8000 की डिप्रेशन पर आवर, यानी कि 1 घंटा में आपको 8000 बार जो है की को मतलब कि दबाने का वो स्पीड होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी आपको एज लिमिट 18 से 37 वर्ष दिया गया है। उसके बाद ड्राइवर के लिए आपको है 10th पास होना चाहिए और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि LMV या फिर HMV होल्डर होना चाहिए पहले से, वो भी उसका भी एज आपको 18 से 37 वर्ष दिया गया है। ऑफिस अटेंडेंट के लिए आपको मैट्रिक पास होना चाहिए और उसके बाद जो है आपका एज 18 से 37 वर्ष होना चाहिए। इसमें जो है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, मैं इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको कार्यालय परिचारी के लिए सेम हर एक में सेम डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, तो इसका जो है रजिस्ट्रेशन डेट आपको 1/1/2024 से चालू हो चुका है और इसका ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है आपको 21/1/2024 है, और भुगतान करने की पेमेंट यानी परीक्षा शुल्क भुगतान करने की तिथि जो है आपको 23/1/2024 रखा गया है। ठीक है, तो इसका जो है आपको डॉक्यूमेंट क्या सब लगेगा मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। इसमें शैक्षणिक योग्यता जैसे वो मैट्रिक था वो ठीक है। उसके बाद आरक्षण, आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी है। ठीक है, बिहार के जो मूल निवासी है उन्हीं को आरक्षण इनमें दिया जाएगा। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको आरक्षण वाले कॉलम में आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो ऑनलाइन आवेदन में भरा गया अस्थायी पता, अस्थायी निवासी ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य है। ठीक है, इसके बाद आरक्षित कोटि में अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन से संबंधित कॉलम में करेंगे। ठीक है, किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। ठीक है, इसमें जो है आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए। अविवाहित और विवाहित महिला अभ्यर्थी अपने पिता के अस्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र होना, यानी जाति जो है आपका अगर शादीशुदा हो या फिर अविवाहित महिला हो तो उसका जाति प्रमाण पत्र उसके पिता के एड्रेस से ही होना चाहिए, ना कि उसके पति के एड्रेस से होना चाहिए अगर शादीशुदा महिला हो तो। ठीक है, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल प्रमाण पत्र यानी होना चाहिए। ये जो है आपको जिनका शादी हो चुका है तो वो अपने पति का एड्रेस का भी डाल सकते हैं, और जिनका शादी नहीं हुआ तो वो तो अपने मतलब पिता के एड्रेस का ही डालेंगे, ये सिर्फ महिलाओं के लिए। ठीक है, इसके बाद जो है आपको उसी प्रकार ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जिसमें कि आपको जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, वही विवाहित महिला का भी जाति जो है वो पिता के एड्रेस से ही होना चाहिए। इसके बाद अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी कि ओबीसी जिसको बोलते हैं, तो वो आपको अगर विवाहित महिला है तो वो उनके पिता के एड्रेस से ही होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की दशा में अस्थायी अधिवास अंचल के अंचल स्तर से जो है आपका क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी कि ओबीसी प्रमाण पत्र बना रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप भूतपूर्व से स्वतंत्रता सेनानी के नाती या नतिनी पोता पोती है तो उनका जो है सर्टिफिकेट आपको इसमें लगाना पड़ेगा, और 2% का क्षेत्रीय आरक्षण भी आपको मिलेगा। ठीक है,
उसके बाद जो है इसमें आपको फोटो लगेगा और सिग्नेचर जो लगेगा वो यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद जो है आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये इन सब का नोटिस जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये आपका हर एक का वही सेम है। इसके बाद जो है इसमें जो आपको पेमेंट कट रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो एप्लीकेशन फी है, सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपको जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के लिए 675 रुपये है। एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है आपको 180 रुपये है, ठीक है। और जो ऑल कैटेगरी फीमेल जो है उसको भी 80 ही है, ठीक है। इसके बाद जो है डाटा इंट्री ऑपरेटर के लिए आपको जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस अदर स्टेट के लिए 600 रुपये का दिया गया है चलान। इसके बाद एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए 150, ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट भी आपको 150 ही दिया गया है। ड्राइवर ऑफिस अटेंडेंट के लिए आपको 400 रुपये का दिया गया है, एससी एसटी के लिए 100 रुपये का, और ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट के लिए भी आपको 100 रुपये का ही दिया गया है। और इसका जो है लास्ट डेट आपको 23 जनवरी 2024 दिया गया है, यानी कि पेमेंट का लास्ट डेट आपको 23 जनवरी 2024 दिया गया और इसका अप्लाई का लास्ट डेट जो है आपको 21 जनवरी 2024 दिया गया। तो जल्द से जल्द जो है आप अपना अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए। तो आज के वीडियो बस इतना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।